नमस्कार, मैं बॉबी झा, MLS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। झपट मार और शराब सप्लाई करने वाले गिरफ्तार, 200 करोड़ की हीरोइन हुई जब्त। पाकिस्तान ने 100 भारतीय कैदी किए रिहा, इतने कैदी अब भी बंदी है। अब खबरें विस्तार से। नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उनमें से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, 2 चोरी के मोबाइल, अवैध शराब और एक चोरी का स्कूटर मिला। उनकी पहचान ब्रह्मपुरी के शिव कुमार और नंद नगरी के अनिल कुमार के रूप में हुई। SAP अतुल कुमार ठाकुर के मुताबिक उस्मानापुर थाने की पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि DDA पार्क में बदमाश आने वाले हैं। SAP RS अधिकारी की देखरेख में ASI साबु की अगुवाई में टीम बनाई गई। टीम ने ब्रह्मपुरी के रहने वाले शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से 200 करोड़ रुपए की कीमत की 50 किलो हीरोइन जब्त की है। मामले में 4 बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। हीरोइन के साथ 2 बदमाश पकड़े गए थे। हीरोइन को छिपाने के लिए इन्होंने कार में खुफिया जगह बनाए रखी थी। गैंग के मास्टरमाइंड को भी पकड़ने का वादा किया गया है। DCP संजीव कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों में बाराबंकी के रहने वाले मोहम्मद सूफिया और मोहम्मद इस्माइल के अलावा बेगूसराय बिहार निवासी मनोज कुमार दास और बाराबंकी का रहने वाला हासिम उर्फ नेता शामिल है। इसमें गैंग का मास्टरमाइंड मनोज है। यह पिछले करीब 10 सालों से ड्रग्स का धंधा करता आ रहा है। इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। नई दिल्ली, पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच पाकिस्तान ने 100 भारतीय कैदी को रिहा किया है। ये सभी कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। बता दें कि सभी कैदी अटारी वाघा सीमा के रास्ते भारत लौटे। पाकिस्तान ने 360 भारतीय कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया था, लेकिन 100 भारतीय कैदी को ही रिहा किया। इन मछुआरों को पाकिस्तान की जल सीमा में घुसने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं के उल्लंघन पर गिरफ्तार किया गया था। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद की सोमवार को मछुआरों को भारत को सौंपा जाएगा। दूसरे चरण में 15 अप्रैल को अन्य 100 मछुआरों को रिहा किया जाएगा। 22 अप्रैल को 100 और 29 अप्रैल को बाकी बचे 60 कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।